तो एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज मैं न्यू जॉब अपडेट के साथ आ चुका है। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर में है और ये आपका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जॉब निकला हुआ है और ये आपके पोस्ट है, देख सकते हैं। ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ये आपके फॉर्म 20 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 18 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आपके पास 10th पास है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। अगर आपका एज 18 साल से लेकर 27 साल तक है जनरल कैटेगरी के, और ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया के लिए, कोई भी स्टेट के है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में निकला हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते देख सकते हैं। इधर आपका पोस्ट कोड निकलने के लिखा हुआ है, आपका सीरियल नंबर है, ये नंबर नेम ऑफ पोस्ट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका लेवल है और ये आपका कैटेगरी दिया हुआ है, कौन कौन कैटेगरी में कितने सीट है, ये अपना अपना कैटेगरी आप देख सकते हैं। अगर किसी में ओबीसी में नहीं तो जनरल में आप फाइट कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के थ्रू आप फाइट कर सकते हैं। टोटल इसमें सीट आपका 102 दिया गया है, 102 सीट है। पहला पोस्ट आपको दिया गया है, ये आपका प्रोसेसर सर्वर का है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन फैमिली कोर्ट के अंदर में है और ये दिल्ली कोर्ट के अंदर में आपको लगेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में, जो लेवल आपके 4 का सीट है, देख सकते हैं। उसके अंदर में फिर आपका सर्वर प्रोसेसर है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन में है। इसमें आपको 2 पोस्ट दिया गया है, दोनों पोस्ट आपको भरना है। इसका कोड आपका ये दिया गया है 821/24 आपका दिया गया है। इसमें 2 पोस्ट है, एक तो पोस्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली का है और एक आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आपका इसमें दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, तो इसमें प्यून ऑर्डिनरी और डार्क प्यून का आपका दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट के अंदर में है। वैसे इसके देख सकते हैं आप, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर में दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ सीट टोटल आपके 102 सीट है, सीट बहुत अच्छा है, 102 सीट है, इसलिए कोर्ट के अंदर में जॉब है। इस फॉर्म का अगर आपका कैटेगरी आपका जनरल है तो सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट लगता है, फीमेल है तो इस फॉर्म को आप जीरो में अप्लाई कर सकते हैं, जीरो पेमेंट पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसमें आपको और मैं डिटेल बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, देख सकते हैं। ये है आपका पोस्ट, नीचे दिया गया है, ये आपका पोस्ट देख सकते हैं, ये आपका प्रोसेसर सर्वर का है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, 10th पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, और आपके पास लाइसेंस है LMB तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और ये आपका ग्रुप सी का जॉब है, एज आपका 18 से लेकर 27 साल तक है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट पोस्ट आपका इसमें प्योर और डार्क पैच में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको, इसमें नॉर्मल आपको 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म सिर्फ आपको 10th पास पे देख सकते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और ये भी ग्रुप सी का है, इसमें 18 से लेकर आपको 27 साल तक है, अगर OBC है तो आपको 30 साल तक, आपको SC/ST है तो आपको इसमें 32 साल तक इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं, 32 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में और बताने वाला हूँ आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, देख सकते हैं अप्लाई, इनका साइट दिया गया है dssbonline.nic.in पे जाके आप इसका अकाउंट बना के इसको फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप मुझे, मैं इसका आपको सोल्यूशन बता दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे साइज बनाना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। इसका 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 20 मार्च से, और ये आप फॉर्म को आप भर सकते हो 18 अप्रैल तक, इजली फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म सबको भरना चाहिए, जो भी 10th पास से स्टूडेंट है इस फॉर्म को भरना चाहिए, बहुत अच्छे जॉब होते हैं और इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 10th पास से अगर आपका एज 18 से लेकर 27 साल तक है तो इस फॉर्म को आप इजली भर सकते हैं, कोई भी स्टेट से है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसका सिलेबस क्या है देख सकते हैं, सब प्रोसेसर का, इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा इसमें, जिसमें इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, हिंदी रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेगा।
25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का और आपका मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसमें आपको ड्राइविंग स्किल भी होने वाला है और आपका नॉर्मली इंटरव्यू भी होने वाला है सर्वर प्रोसेसर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रोसेसर सर्वर फैमिली कोड के अंदर में है। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्किल है, ड्राइविंग स्किल इंटरव्यू है और इसका भी आपका सेम सिलेबस है, देख सकते हैं सेम सिलेबस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पोस्ट क्या है। नेक्स्ट पोस्ट में आपका प्यून डाक प्यून का है। ये जॉब सबसे बेस्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, तो देख सकते हैं इसका भी सिलेबस सेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, मैथ है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर टेंथ पास है तो नॉर्मली इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरव्यू जो भी होगा आपको 15 मार्क्स का होगा, देख सकते हैं इंटरव्यू आपको 15 मार्क्स का लिया जाएगा, बहुत ईजिली है। ये भी है फैमिली कोड के अंदर में है, इसमें भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉर्मल इंटरव्यू है, इसमें भी सिलेबस सेम दिया गया है, तो ये भी देख सकते हैं। आपको एक दो पोस्ट के लिए इसमें आराम से फॉर्म भरना चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका ऑब्टेन मार्क्स है वह उस बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। और ये आपका दिल्ली में 30,000 कोड के अंदर में जॉब रहेगा, देख सकते हैं 30,000 कोड के अंदर में इसमें आपको जॉब दिया गया है। दिल्ली में 30,000 कोड है, वहाँ पे आपको जॉब लगेगा, बहुत अच्छी जॉब है। इस फॉर्म को आप भरना जरूरी है आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं कोई और भी, अगर आपका सपना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। मैं इसका सारे सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। अगर आपका एस सी एस टी है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, ये सब आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिससे आपको इजीली फॉर्म को भर देना है। सारे मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।